अच्छा, आपके दर्शन हो गए माता रानी के? बहुत कैसे बढ़िया, दर्शन हुए? बहुत बढ़िया, खुले दर्शन हुए बिल्कुल, बहुत आराम से। बढ़िया। और प्राचीन गुफा तो फिलहाल बंद हो गया है। चलिए, तो ये बहुत अच्छा रहा कि सर के दर्शन हो गए। साथ ही साथ सर, वीडियोस कैसी लगती है? वीडियोस बहुत बढ़िया लगती है। क्या बात है। सबसे मेन चीज है जो ये डिजिटल यात्रा, वो देखते तो फील यही आता है, दर्शन हो रहे हैं। विश्वास का जब ये झूला, पावन झूला, तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला। बस गई अखियों में मूर्ति तुम्हारी, चढ़ गई माँ, चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी। जय माता दी। ट्रेन अडर के सोशल मीडिया से जुड़े हुए माता रानी के सभी श्रद्धालुओं का एक नई प्यारी सी वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी श्रद्धालु सबसे पहले माता रानी के इस पवित्र पावन त्रिकूट पर्वत के दर्शन घर बैठे कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको थोड़ी सी नॉइस आएगी इस वीडियो में या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप मैनेज कर लीजिएगा, बिकॉज मैं मौजूद हूँ कटरा के इस मेन चौक पर। माता रानी की अनुकम कृपा से हमारी यात्रा संपन्न हुई और अब समय हर बार की तरह इस बार भी अपने यात्रा का अनुभव, यानी यात्रा का जो एक्सपीरियंस है, वो आप सबसे साझा करने का। तो आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे माता रानी की यात्रा से संबंधित सबसे बड़ी जानकारी की, जो कि आप अक्सर कमेंट के जरिए पूछते रहते हैं और साथ ही साथ आपका ये लाइव में भी सवाल रहता है कि आखिर माता रानी की जो पवित्र पावन प्राचीन गुफा है वो कब तक खुली है, प्राचीन गुफा की क्या बड़ी अपडेट है। देखिए, मैं पहले ही वीडियो बनाकर आपको ये जानकारी शेयर कर चुका था कि प्राचीन गुफा जो होता है वो मार्च के फर्स्ट वीक तक खुला रहता है। ऐसा कोई डेट स्पेसिफिक नहीं है कि मार्च के फर्स्ट वीक में इस दिन बंद हो जाएगा या होली वाले दिन ही प्राचीन गुफा का पार्ट बंद होते हैं, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक डेट मेंशन कहीं पर भी नहीं है। और जितने भी सोशल मीडिया पर वीडियोस बन रहे थे, चल रहे थे कि होली वाले दिन ही जो है प्राचीन गुफा बंद हो जाएगी, वो जानकारी सही नहीं थी। मैंने पहले भी बताया था और आज भी आपसे यही जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको बता दें कि माता रानी के पवित्र पावन भवन में जो प्राचीन गुफा है वो फिलहाल अब श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। इसका कॉन्फर्मेशन मैंने वहाँ के जो आर्मी पर्सन थे उनसे भी पूछा, पुजारी जी से भी पूछा और कुछ लोग जो भवन पर रहते हैं ना उनसे भी मैंने कन्फर्म किया, तो उन्होंने बताया कि अब प्राचीन गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गए हैं। देखिए, होता क्या है ना, सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो किसी प्रकार से बस बनाया गया है फेक और उसको वायरल कर देना, उसको अपलोड कर देना, जानकारी कुछ होती नहीं है। जो जानकारी मिलती है लोग उसको शेयर कर देते हैं अपने सोशल मीडिया पर। अब बात कर ली जाए दर्शन की। देखिए, हम माता रानी के दर्शन करने के लिए दोपहर में लगभग 12 बजे के बाद पहुँचे और उस समय श्रद्धालुओं का बिल्कुल भी रौनक रश नहीं था। आराम से हमें माता रानी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। आप भी यही कोशिश करिए कि दोपहर के 12 बजे के बाद या फिर रात को 12 बजे के बाद जाइए, तो आपको दर्शन करने का जो अनुभव होगा वो बहुत अच्छा होगा और आप आराम से माता रानी के दर्शन कर लेंगे, किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप अटका आरती से पहले, मतलब आरती शुरू होने से पहले या आरती खत्म होने के बाद जाते हैं, तो आपको लंबी लंबी कतारों का भी सामना करना पड़ेगा, तो उस दौरान दर्शन करने के लिए अवॉइड करिएगा। कोशिश यही करिएगा कि जब आप जा रहे हैं दर्शन के लिए तो आपका जो समय शेड्यूल हो वो इसी प्रकार से हो, तो आपका दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा। वैसे तो माता रानी के दर्शन हमेशा ही अच्छी तरीके से होते हैं। अब देखिए, दर्शन हमने किया, उसके बाद हम चले गए बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए हमने रोपवे ऑलरेडी बुक किया और रोपवे बुक करने का बेनिफिट देखिए यही हुआ ना कि हमको लाइन में नहीं लगना पड़ा। कोशिश यही करिए कि रोपवे की बुकिंग आप घर बैठे ऑनलाइन माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से कर लीजिए, जिसमें कि आपको लाइन में बिल्कुल लगना नहीं पड़ेगा और आपका जो यात्रा रहेगा वो भी अच्छा होगा। अब तो नया अपडेट भी कर दिया गया, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ पर टाइम शेड्यूल डाल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए आपको सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जाना है तो आप उतने टाइम का शेड्यूल का स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए, या आपको जो है 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का स्लॉट लेना है तो उस स्लॉट में कभी भी जाइए, आपको एंट्री मिल जाएगा और जो कतार होता है लंबी लंबी ना उससे आप जो है बच पाएंगे, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बैटरी कार की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें तो सारी बुकिंग्स अगर आपका प्री प्लान है, मतलब आपने पहले से प्लान बना रखा है, तो आप अपना सारा बुकिंग्स ऑनलाइन करके लाएंगे, करके आते हैं तो बेटर रहेगा, आपको लंबी लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए देखिए कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एबिलिटी होती है तो प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं देखिए पुराने बस स्टैंड पे हूँ और यहाँ पे देखिए पीछे निहारिका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आके आप ऑफलाइन के लिए रूम से डॉर्मेट्री की बुकिंग पता कर सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको दे देंगे। यहीं से आपको हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग मिलती है ऑफलाइन, और साथ ही साथ यहाँ पर आप जितनी जल्दी पहुँचेंगे मॉर्निंग में उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको बुकिंग मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम शेड्यूल होता है ना वो सुबह 6 बजे के आसपास काउंटर्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन जल्दी आइए तो जल्दी यहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको बुकिंग्स यहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा
हो जाएंगे। अब बात की जाए वेदर अपडेट की, यानी मौसम की जानकारी। मैं आपको बता दूं, मैं क्या कोई भी आपको वेदर की सटीक जानकारी नहीं शेयर कर सकता, यहाँ तो गूगल वेदर भी फेल हो जाता है। मैं खुद गूगल वेदर देख के गया था, आज की देखिए डेट, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन देखिए अभी हल्की हल्की धूप निकली हुई है। याद रखिए, वेदर कटरा का अलग होता है, भवन का अलग होता है, लेकिन हाँ, कभी भी आप भवन पर जाएंगे आपको ठंड जरूर लगेगा, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़ा लेकर आइएगा, रेनकोट भी रख लीजिएगा, अम्ब्रेला भी रख लीजिएगा। देखिए, अगर आप अपने साथ सभी इक्विपमेंट लेके आते हैं जो जरूरी सामान है, तो व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ उसका काम जरूर आएगा, लेकिन आप लेके नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पर आके आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वेदर चंद मिनटों में बदल जा रहा है। कुछ समय यहाँ पर धूप आपको देखने को मिल रहा है, भाई धूप हो रहा है कटरा में, जो आज का डेट मैंने आपको बताया उस डेट पर धूप है, लेकिन बाद में देखेंगे तो यहाँ पर हल्की हल्की बादल आ जाएंगी, हल्की हल्की बारिश हो जाएगी। इसीलिए आप जो है पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ आइएगा। मौसम के लिए इस तरह से मत सोचिएगा कि वेदर पे ये दिखा रहा है गूगल वेदर पे, तो हम इस तरह से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तो गूगल वेदर भी फेल हो जाता है, मैं बार बार आपसे ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सुविधाओं की बात करें तो इस समय हर प्रकार की सुविधा श्रद्धालुओं को मिल रही है, चाहे रोप वे हो, बैटरी कार हो, घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, सभी प्रकार की सुविधाएँ श्रद्धालुओं को बहुत आराम से मिल जा रही हैं। हमने भी पूरी प्लानिंग के साथ यात्रा की थी, क्योंकि हम जब गए थे तो हमने सोचा कि वेदर कब बदल जाएगा पता नहीं होगा, इसलिए पूरे प्लानिंग के साथ चलिए, ताकि आपको दिक्कत परेशानी का सामना बिल्कुल भी ना करना हो और आपकी यात्रा सफल हो। उसके बाद हम बैटरी कार के माध्यम से लगभग शाम को ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 7-8 बजे तक आ गए थे अर्धकुंवारी, फिर वहाँ से बाई वॉकिंग करते हुए रात को 10 बजे तक हम कटरा पहुँच गए। ये पूरा यात्रा का एक्सपीरियंस था, दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुए, जितने भी तमाम प्रकार की नई जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर दिया। प्राचीन गुफा की मैंने भी आपको अपडेट दे दी कि प्राचीन गुफा फिलहाल, जितना भी मैंने कन्फर्म किया है कि प्राचीन गुफा पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल बंद हो गया है। अब देखिए, ये चीज़ें मैं कटरा के इस जो है जगह से आपको बता रहा हूँ, और अभी यहीं पर मौजूद हूँ, तो थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत हुई होगी और वॉइस भी थोड़ा मोड़ा नॉइस का आया होगा, तो आप उसे इग्नोर करिएगा। चलिए, अब हम आपके लिए डिजिटल यात्रा रेडी कर रहे हैं, और बहुत जल्द डिजिटल यात्रा ट्रेन राइडर पे प्रस्तुत हो जाएगा, तो पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी वीडियो में, जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी।